होगी जो कि कोविड पेशेंट्स के लिए है। सो अगर आप कोविड पॉजिटिव हो एंड आप घर पे होम आइसोलेशन में हो, आपके जो सिम्टम्स है वो माइल्ड टू मॉडरेट है, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। सो अभी पहले मैं ये समझाऊंगी कि एक्सरसाइजेस करने क्यों है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्ट कोविड केसेस में फटीग एंड वीकनेस बहुत कॉमन होता है। सो वो क्यों होता है? सो जब ड्यूरिंग द 15 डेज आपका अगर मसल लॉस हो रहा है आपकी रिकवरी के टाइम पे, तो आपको बाद में वीकनेस, एग्जर्शन, फटीग, ये सारी चीजें आने वाली है। तो अगर ड्यूरिंग दैट 15 डेज आपके जो क्वारंटाइन के 15 डेज है उस टाइम पे अगर हमने मसल की स्ट्रेंथ मेंटेन की, तो पोस्ट कोविड वीकनेस आपको नहीं आएगा। तो स्पेसिफिकली फॉर दिस रीजन मैं आपको अभी जो एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ वो आपको करने हैं। अभी हमेशा याद रखिएगा, आप कोविड पेशेंट हो तो आपको रेस्ट ज्यादा जरूरी है, आपको बॉडी को एग्जर्ट नहीं करना है। सो आपके लिए लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस में जो बताऊंगी वही करने हैं। ज्यादा हैवी इंटेंसिटी वर्कआउट करोगे तो उल्टा असर पड़ेगा और मे बी आप ज्यादा एग्जर्शन फील करोगे। सो अभी एक्सरसाइजेस कौन कौन कर सकता है? सो फर्स्ट थिंग, अगर आपका ब्लड सैचुरेशन SpO2 लेवल अगर 90 के अबाउट हो तो आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो। आप आपके नॉर्मल डेली एक्टिविटीज जैसे कि मॉर्निंग में उठना, नहाना धोना, घर के थोड़े बहुत काम अगर आप इजीली कर पा रहे हो, आपको ज़्यादा एक्जर्शनल फटीग नहीं है, तो आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो। पर यस, अगर आपको बॉडी एक है, आपको हाई फीवर है, तो आपको एक्सरसाइजेस नहीं करने हैं, स्ट्रिक्टली नो, उस टाइम आपको रेस्ट लेनी है। बट अदरवाइज जैसे आपका फीवर कम होता जाएगा तो आप एक्सरसाइजेस चालू कर सकते हो। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद सम सिटिंग एक्सरसाइजेस। तो हमेशा याद रखिएगा, एक्सरसाइज चालू करने से पहले इमीडिएटली आफ्टर फूड आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। खाना खाने के 30-45 मिनट्स के बाद आपको एक्सरसाइज करना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर नेक। सो नेक मोबिलिटी, यू हैव टू स्ट्रेट बी स्ट्रेट फ्रॉम योर स्पाइन एंड यू हैव टू जस्ट स्ट्रेच योर नेक। जितना आप नेक को ज्यादा से ज्यादा लैटरली स्ट्रेच कर पाओगे, आपके ये सारे जो नर्व्स और मसल्स है वो रिलीज होंगे। देन जस्ट रोटेट टू राइट, रोटेट टू लेफ्ट। Need to do every exercise 10 times. Okay. And front and back. अगर आपको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, चक्कर आ रहा है, तो बैक एंड फ्रंट बेंडिंग आप मत कीजिएगा, साइडवेज रोटेशंस आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नेक का मोबिलिटी। देन यू हैव टू जस्ट टेक योर हैंड्स अप, स्ट्रेच अप, होल्ड फॉर 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। इससे आपकी ट्रंक एंड शोल्डर्स की मोबिलिटी बढ़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। यू हैव टू रिपीट इट फॉर 10 times, 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। ओके, जैसे अभी हमने नेक से मोबिलिटी चालू की थी, लेट्स हैव सम मोबिलिटी ऑन योर एंकल्स। सो यू हैव टू मूव योर एंकल्स बैक एंड फ्रंट, ओके, 10 times। आप जितना ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हो आपकी काफ को, उतना अच्छा है आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ओके, फाइन। नाउ जस्ट टेक योर सिंगल लेग, बेंड योर नी एंड पुश till your chest, relax, again, bend your knee and push till your chest, we have to repeat it for 10 times, okay, now आगे के जो दो exercises है वो आपकी कमर के लिए है, क्योंकि हमारे जो कमर के मसल्स है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खड़े रहने के लिए, बैठने के लिए। ओके, सो दोनों पैरों को बेंड करके
स्पाइन सीधा रख के यू हैव टू जस्ट लिफ्ट योर लो बैक योर हिप्स अप एंड होल्ड फॉर 5 सेकंड्स 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स अगेन लिफ्ट इट अप होल्ड फॉर 5 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स अगेन अप होल्ड फॉर 5 1 2 3 4 5 इजी एंड द अदर वन इज यू हैव टू जस्ट रोटेट फ्रॉम द पेल्विक टिल द राइट एंड टिल द लेफ्ट यहां पे आपको स्ट्रेच आना है कमर सो ये दो एक्सरसाइजेस से आपकी कमर अगर पेनफुल है कमर दुखी का है आपको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम तो वो भी उससे क्योर हो जाएगा ओके नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक पैर सीधा रखना है यू हैव टू जस्ट लिफ्ट इट अप इन द एयर स्ट्रेट उसको ऐसे मोड़ना नहीं है घुटने को सीधा रखना है एंड यू हैव टू होल्ड 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स 1 2 3 4 5 And relax. Same from the other side. Just take it up, knee straight and hold. 1, 2, 3, 4, 5. And relax. Again up. 1, 2, 3, 4, 5. And relax. Easy. So, ye exercise se aapke ghutno ki aur aapki thighs ki strength maintain rehne mein aapko madad hone wali hai. ओके सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम उल्टा लेट के कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे अभी टमी के ऊपर लेटने के दो बेनिफिट्स हैं फर्स्ट इज फॉर योर लंग्स जो आपके पीछे के लंग्स है जहाँ पे एयर एंट्री थोड़ी कम रहती है जब आप उल्टा सोते हो तो वहाँ पे एयर एंट्री बढ़ जाती है और आपका SpO2 लेवल मेंटेन होने में उसमें हेल्प होगा एंड सेकेंड बेनिफिट इज फॉर योर स्पाइन आपकी स्पाइन के जो मसल्स है जो आपका स्पाइन इरेक्ट रखने में हेल्प करते हैं तो वो मसल्स का स्ट्रेंथनिंग होगा और आपका पोस्चर बहुत इरेक्ट और अच्छा रहेगा सो बैक पेन उससे कम होगा सो लेट्स ट्राई सो यू कैन टेक अ पिलो पिलो आपके चेस्ट के यहाँ पे आनी चाहिए सो जस्ट लाई डाउन एंड कीप अ पिलो एट योर चेस्ट एंड यू कैन बी इन दिस पोजिशन फॉर 5 मिनट्स थोड़ा रिलैक्स हो जाइए तो आपके स्पाइन के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे ओके नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट कीप योर बोथ हैंड्स इन फ्रंट ठीक है एंड यू हैव टू जस्ट टेक इट अप एंड डाउन टेक इट अप एंड डाउन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन होल्ड दिस पोजीशन नाउ इफ यू आर कंफर्टेबल Hold for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, and 5. Easy. You have to repeat it for 10 times. You can hold or without holding. Fine. So, this was the first exercise. And last one is you have to just bend your knees. Bend your knees. Towards your thighs, towards your butts. इससे आपके thigh में blood circulation बढ़ेगा, आपके knees को अच्छा feel होगा. 10 times from both sides. Easy. So ये सारे exercises आपको दिन में minimum एक बार करने हैं. अगर आप दो बार करते हो तो morning evening बीच में 3 से 4 घंटे का break लेके कीजिए. एंड याद रखिए कि आपके एक्सरसाइज करते टाइम अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है सो यू कैन ऑलवेज टेक अ ब्रेक इन बिटवीन योर सेट्स जैसे अगर आप 10 बार कर रहे हो तो यू कैन जस्ट डू इट 5 टाइम्स देन टेक अ ब्रेक देन 5 टाइम्स सो बिकॉज यू नीड रेस्ट ऑल्सो सो हमें जो एक्सरसाइजेस करने हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही मिनिमम रखनी है सो हमारा सिर्फ एक ही मोटो है कि हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे एंड जो पोस्ट कोविड वीकनेस है या फिर जो फटीक हमें लगता है तो वो ना सो ये एक्सरसाइजेस आप करके देखिएगा
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स को या फिर फैमिली मेंबर्स को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको भी पता चले कि एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हैं वो लोग. एंड डेफिनेटली लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम बाय बाय.